अस्सलाम वालेकुम, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त आरटीपी लेके आया हूँ जिसको आप मोबाइल, लैपटॉप, पीसी हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। स्पीड इतना है इसकी, 1 GB तक इसकी स्पीड दी जाती है। पाकिस्तान में किसी भी इंटरनेट की इतना स्पीड नहीं है। और आसान इतना, देखें 1 GB क्रॉस कर गई थी, उसको कॉपी करना है, यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है, आपकी आरटीपी तैयार, चाहे लैपटॉप में, चाहे मोबाइल में, चाहे पीसी में, या कोई भी आपकी डिवाइस है, एक क्लिक पर। इंतहाई आसान, आप लोगों की फरमाइश के ऊपर। आप लोग बार बार कह रहे थे कि कोई ऐसी आरटीपी बताएं जिसको हम मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकें और वन क्लिक पे। कमाल की स्पीड है भाई, इससे ज़्यादा स्पीड कम से कम पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अभी आप मज़े करें, चाहे आप CPM वर्क करते हैं, चाहे वेबसाइट के ऊपर करते हैं, चाहे मोबाइल के ऊपर करते हैं, या आप कोई ऐसा अकाउंट बनाते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो ये सबसे आसान और इजी है। तो देखें, जो मेरी लोकेशन है वो रीजन ताइवान प्रोविंस चाइना, यहाँ की शो कर रहा है। अब जिस वक्त भी आप इसको रीओपन करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपकी लोकेशन ये चेंज कर देता है। तो जल्दी से इसको बनाना सीखते हैं। टोटल फ्री का है, 2-3 लिंक है, उसको आप भी पेस्ट करना है। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको आइंदा की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया वो खुदा दे बंदो, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, इसके बहुत बड़ा नुकसान है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें और ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको 2 कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोड लेने के लिए सबसे पहले हमने आना है गूगल के ऊपर, और यहाँ पे आके हमने टाइप करना है spwdyspeedearning.com। ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आर्टिकल आएगा, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हाउ टू क्रिएट आरटीपी, इसके ऊपर हमें करना है क्लिक। अगर यहाँ पे आके आपने आर्टिकल देखना है, यहाँ पर भी मुकम्मल तरीका बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से ये सारे काम करने हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आरटीपी आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पीसी पर, हर चीज पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 कोड मिलेंगे, एक ये वाला कोड है कोड 1 और एक है ये कोड 2। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये कोड जो 1 है इसको करेंगे हम कॉपी, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये कोड 1 है, ये हो गया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एक नया ब्राउजर ओपन करते हैं, यहाँ पे ऊपर टॉप है ना, यहाँ पे हमने ये जो कोड कॉपी किया है ये हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपके जो भी इसमें जीमेल लॉगिन होगी उसको ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा और ये डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। 10-15 सेकंड लगेंगे, परेशान नहीं होना। ये सारा को देखें जनरेट हो रहा है। जनरेट होने के बाद आप एक और चीज यहाँ पे नीचे देखें, ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको नीचे, देखें ये वाला। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हमें अब दूसरा कोड चाहिए। दोबारा हम यहाँ पे आए pdearning.com के ऊपर, कि दूसरा कोड था इसको भी हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। सिलेक्ट किया ये, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लें, यहाँ तक ये करना है हमने कॉपी। कॉपी करने के बाद जो हमारा पहले वाला ब्राउजर ये वाला नीचे वाला ओपन था, तो यहाँ पे आके हमने उसको पेस्ट करना है। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हमने पेस्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर पेस्ट, देखें यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसके बाद ये 15-20 सेकंड लगेगा इसको रन करने में, इसको ओपन करने में, ठीक है। ये सारा जनरेट कर रहा है, इसको देखें आप, थोड़ा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15-20 सेकंड या 1 मिनट भी लग सकता है। ये मुकम्मल आपकी आरटीपी जो है वो जनरेट करेगा आपके सामने। तो अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है परेशान नहीं होना, इस तरह की आरटीपी आपको नहीं मिलेगी। और इसके मैं आपको, अगर मैं स्पीड चेक करवाऊंगा ना, आप हैरान रह जाएंगे। जितना भी इसके ऊपर आप CPM वर्क करते हैं, जितना ब्राउजर ओपन कर लें, आजकल जिस तरह पाकिस्तान में नेट की स्पीड इंतहाई स्लो है, तो ये आरटीपी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। सेकेंडों में आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और सेकेंडों में आपके ब्राउजर या कोई भी आप टैब ओपन करते हैं तो इजीली ओपन हो जाएगा। देखें ये तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है। ये करने के बाद अभी हमने इसको स्क्रोल डाउन करना है, नीचे ले आना है, ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको एक चीज क्लियर नजर आ जाए कि नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है, हमने क्या करना है। देखें यहाँ से, ध्यान से देखें, ये आपको आंख का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला ध्यान से देखना है। यहाँ पे करना है हमने क्लिक। क्लिक करेंगे तो हमें 2-3 पोर्ट्स नजर आएंगे, देखें ये प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 है, यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो आपकी जो आरटीपी है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। 10-15 सेकंड का वेट करेंगे, देखें ये आरटीपी ओपन होना स्टार्ट हो गई है, बस चंद सेकंड की गेम है। तो ये देखें जी, आपकी आरटीपी जो है वो क्रिएट हो गई है। अभी मसला आता है कि जी हमारे ब्राउजर कहाँ पे है, जी हमारा वो इंटरनेट ब्राउजर जो है जिससे हमने काम करना है वो कहाँ पे है, आप थोड़ा सा नीचे देखें। ये आपको एक अबाबील है, ये
ये नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये निशान बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने करना है क्लिक, क्लिक करेंगे तो आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे नजर आएंगी। देखिए हर बंदा जो बताता है ना वो आरटीपी वो लैपटॉप की पीसी की कंप्यूटर की बताता है, मैं आज आपको मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ। यही काम आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, पीसी में भी कर सकते हैं, हर जगह आप इसको कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं और इनके 12 बजे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ये इंटरनेट का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, आपको दोबारा करीब कर दिखा लूँ। लोग कहते हैं जी चौहान भाई आप जल्दी में बताते हैं तो हमें समझ नहीं चलती, इसलिए मैं आपको स्लो स्लो बता रहा हूँ। ये इंटरनेट का ऑप्शन है, यहाँ पे करेंगे क्लिक तो आपको ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने दोबारा इंटरनेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 ब्राउजर आपको नजर आते हैं। देखें ये फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये 2 ब्राउजर हैं। आप जिसमें भी काम करना चाहते हैं उसको करें ओपन। मिसाल तौर पर तो जी मैंने गूगल क्रोम में करना है, क्रोम के ऊपर क्लिक करें तो ये जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पीड चेक करवा दूं, यहाँ पे एक न्यू ब्राउजर जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या क्लिक, एक नया जो ब्राउजर है ओपन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसकी स्पीड देख लेता हूँ, fast.com, ठीक है। ओके को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्पीड देखें, ये स्पीड कितनी आ रही है, 700 से ऊपर, 800, 850 तकरीबन ये 1 GB तक चला जाता है। स्पीड देखें 830 MB/s इसकी स्पीड आ रही है, कमाल की स्पीड है भाई। इससे ज़्यादा स्पीड कम अज़ कम पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अभी आपको मसला क्या आता है कि जी हम यहाँ पे क्लिक कैसे करेंगे, टैप कैसे करेंगे, ये आप इस साइड पे देखें। एक नई चीज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके सारे ऑप्शन अपने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया तो देखें ये पहला जो हैंड का ऑप्शन है, ये जिस तरह मोबाइल पे हम उंगल पैर के स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं ये उसके लिए है। ये इसका माउस बना हुआ, राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है, ये है, ये जो है ये इसका कीबोर्ड है। अभी लोग ढूंढते रहेंगे कि यार मेरा तो कीबोर्ड नहीं है मैं कैसे करूं। मिसाल तौर पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड गायब हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड जो है वो सामने आ जाएगा, जो कुछ आपने टाइप करना है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, जो आपने ब्राउजर ओपन करना है। अभी मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या क्लिक और मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, ये मेरा यूट्यूब है, देखिए कितना स्पीड से ओपन हो गई है। और यहाँ पे देखें ये क्या आ रहा है जी, यूट्यूब TW ताइवान का लोकेशन शो हो रही है। तो अगर आप किसी भी वर्क करना है ना तो ये कमाल की चीज़ है। मैं यहाँ पे अपना चैनल सर्च करता हूँ, ठीक है, मिसाल तौर पर ये वाला है, या किसी को मैं क्लिक करता हूँ चैनल जो है ओपन हो गया है, किसी वीडियो को मैं क्लिक करूँ प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे जितने भी टैब ओपन करना चाहें, यहाँ पे ये प्लस पर क्लिक करके आप जितना चाहें यहाँ पर टैब ओपन कर सकते हैं। इनकेस आपकी RTP वो बंद हो जाती है, कोई एरर आता है, कोई टाइम आउट हो जाता है, तो आपने दोबारा क्या करना है, वही कोड कॉपी करके ले आना है। speedyupdating.com पे है, दोबारा इसको करेंगे हम कॉपी, बहुत ही सेम प्रोसेस वही उसी तरह कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके हम इसको आके पेस्ट कर देंगे, सेम वही प्रोसेस पहले वाला। देखिए दोबारा हम इसको जनरेट कर लेंगे और फिर उसी तरह दोबारा नीचे वाला जो कोड हमने पहले कॉपी किया था सेम उसी तरह हम इसको भी यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे उसी जगह पे, या जो ही हम उसको दोबारा रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको पिक कर देगा। देखें ये दोबारा जनरेट हो रही है, 1-2 मिनट लगता है, बस दोबारा हम वही सिस्टम करेंगे, इसको स्क्रॉल अप करके ले जाएंगे, वही प्रोसेस। यहाँ पे आगे जो आईज वाला ऑप्शन है यहाँ पे करेंगे क्लिक, और जो पहली पोर्ट है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी दोबारा जो है वो RTP जनरेट हो जाएगी। देखें दोबारा कनेक्ट हो रही है और ये कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं लाइफ टाइम टोटल फ्री में।